इंदौर जिले में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा और उनकी निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी अब मिल गई है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को पत्र लिखकर कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क दाखिला देने के निर्देश दिए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के सदस्य मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को प्राथमिकता से दाखिला दिलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हुए मंजूरी दे दी है, साथ ही सभी केंद्रीय विद्यालय में लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। फलस्वरूप अब इंदौर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में 20 विद्यार्थियों का निःशुल्क दाखिला होगा। कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिन बच्चों का दाखिला होगा उनके लिए जन सहयोग से स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपी, किताबें आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। ऐसे बच्चों के दाखिले के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है अभी। पहले जब ये कोविड चल रहा था तो कई ऐसे बच्चों की जो हम लोगों ने लिस्टिंग की थी, जिनको हम लोगों ने बाद में सपोर्ट किया था, उसमें कि माता पिता की डेथ हो गई थी उनकी, उनके लिए हम लोगों ने ये भी प्रयास किया था कि उनका बच्चों का सेंट्रल स्कूल में हो जाए। हमने पत्र लिखा था, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ ये केंद्रीय विद्यालय जू के पास में जो है, पर वहाँ से चूँकि अधिकार नहीं था प्रिंसिपल का हमारा चेयरमैन के रूप में, प्रिंसिपल ने इसको गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट्रेट है, कमिश्नरेट है, वहाँ भेजा था केंद्रीय विद्यालय के। और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि और भी जगह से डिमांड्स गई होंगी, और वहाँ जो भी HRD मिनिस्ट्री ने जो निर्णय लिया है कि हर स्कूल में जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता जिन्होंने खोए हैं कोविड काल में, या जो अनाथ हुए हैं कोविड की वजह से, उनको प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक पाली में 10 बच्चों की अनुमति अध्यक्ष उस वहाँ के दे सकेंगे। चूँकि केंद्रीय विद्यालय जूप के पास स्थित केंद्रीय विद्यालय में 2 पाली का रहता है, इसमें 20 बच्चों का एडमिशन हो सकेगा। एक कक्षा में 2 से ज़्यादा बच्चे इस प्रकार से नहीं रहेंगे, बस एक राइडर लगा हुआ है इसमें। दोनों पेरेंट्स के कुल मिलाकर कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को कलेक्टर की पहल के द्वारा अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात, MP News के साथ।